ये हमारा MI 10C का लाइट PDF है, लाइट वाला सेक्शन ये है, आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं इसमें 4 वोल्टेज की सप्लाई हमारी है, 4 सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट, फिर थर्ड पे, फिर 4 है, फिर एक तो 7 है। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे से इस छोटे से कैपेसिटर पे आया है, कंपोनेंट है जो, फिर साइड से यहाँ से होके फिर यहाँ पे ये जो कैपेसिटर 2 बड़ा लगा है, 1 ब्लैक, 1 भूरा, उसके बाद ये छोटे से कंपोनेंट से आके एक ED नाम का कॉयल उस पर आया हुआ है। फिर ये सर सेकेंड वाला हम देख सकते हैं खाली है, फिर थर्ड पे है इसका वोल्टेज, 1 थर्ड वाला यहाँ से आके फिर यहाँ से एक छोटा सा कंपोनेंट्स होके फिर छोटे से कंपोनेंट ये IC में आया। फिर ये जो 4 वाला है, 4 वाला भी यहाँ से आके इस कंपोनेंट्स होके इसी में जुट गया, मतलब ये थर्ड और 4 दोनों एक ही सप्लाई है, इसलिए यहाँ पर जुट गया दोनों एक ही है। फिर ये लास्ट वाला आ गया 7वां नंबर, यहाँ से हमारा होके यहाँ से डायरेक्ट जाके वहाँ से एक छोटा सा कंपोनेंट्स होके इसे IC में आ गया है, लास्ट ये वाला हो गया। फिर इसके बाद जो ये फर्स्ट वाला सप्लाई गया है, फर्स्ट वाला हमारा गया है वही हमारा पावर BPH पावर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिर इस छोटे से कैपेसिटर के बाद यहाँ से ये रेड वाला बन गया, ये रेड हमारा BPH पावर है, यहाँ से इस IC से निकल के फिर इस ब्लैक वाले कॉयल पे गया है, कॉयल से आके फिर कैपेसिटर्स होकर फिर इस IC में आया, फिर वहाँ से निकल के ये BPH पावर डायरेक्ट हमारा इस साइड वाले में आया, डायरेक्ट मदरबोर्ड के पीछे वाले हिस्से में देख सकते हैं। यहाँ पर हमने साइड में लाया, साइड में ला के यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक कॉयल है ब्लैक कलर का, उस कॉयल में ये BPH पावर का सप्लाई आया हुआ है। फिर कॉयल से होते हुए एक कैपेसिटर पे आया, कैपेसिटर से जाके डायरेक्ट IC में आया, फिर उस साइड से भी जाके एक कैपेसिटर पे आया, उसके बाद भी डायरेक्ट फिर IC में आ गया। ये हमारा BPH पावर का सेक्शन है, BPH पावर वाला फिर डायरेक्ट यहाँ से, ये हमारा BPH पावर था, आपको फिर से दिखाते हैं ये कहाँ से किस तरह गया। ये फर्स्ट वाला हमारी सप्लाई जो गई है, फर्स्ट वाला जाके यहाँ तक आया है ED नाम का जो छोटा सा कॉयल, उसके बाद ये रेड वाला जो भी है ये BPH पावर है, यहाँ से होके ब्लैक कैपेसिटर से होके या ब्लैक कॉयल से होके फिर ये भूरा कैपेसिटर से होके डायरेक्ट BPH पावर उस वाले IC में गया। फिर आपको थर्ड और 4 आपको दिखाई दिए हैं, फिर 7 वाला नंबर भी यहाँ से दिखिए रहा है, डायरेक्ट यहाँ से घूम के IC में गया है, चारों का वोल्टेज हमने दिखा दिया कहाँ गया है। फिर ये जो रेड वाला उस पर ध्यान दीजिएगा, वही हमारा BPH पावर सेक्शन है जो डायरेक्ट IC में गया है। अगर चैनल पर नया हो तो चैनल